नमस्कार, रमास्क्री के इंग्लिश रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी, जो सभी को बहुत पसंद है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। रमास्क्री के इंग्लिश रेसिपी को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे ये होगा, जो भी रेसिपी बनाऊंगी आप तक तुरंत पहुँच जाएंगी। तो आइए बनाते हैं भिंडी की टेस्टी सब्जी। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम भिंडी। मैंने भिंडी को धोकर सुखा लिया था, फिर उसके बाद मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट कर रख लिया है। आधा नींबू लिया है मैंने, इसका रस इसके अंदर हम डालेंगे। एक प्याज को मैंने छोटे टुकड़े में काटा है, एक छोटा चम्मच जीरा, दो हरी मिर्च को मैंने छोटे टुकड़े में काटा है, 7 से 8 कलियां लहसुन की मैंने छोटे टुकड़े में काटा है, एक टुकड़ा अदरक का मैंने छोटे टुकड़े कर लिए हैं, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, गर्म मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच, तेल हमने लिया है 4 से 5 चम्मच। नॉर्मल सब्जी जो हम बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा तेल हमें लेना है भिंडी की सब्जी बनाने के लिए। तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे, गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर हम तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, आंच को हम मीडियम कर देंगे और इसके अंदर जीरा डाल देंगे। इसे हल्का सा ब्राउन होने देंगे और जीरा हमारा अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर कटी हुई प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को डालेंगे और इसे हल्का गुलाबी होने तक हम भून लेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। इस सब्जी के अंदर मसाला आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। अब इसके अंदर हम भिंडी डाल देंगे, अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक चम्मच भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन हम सिंपल सी सब्जी बना रहे हैं भिंडी की, इसलिए मैंने इसके अंदर बेसन नहीं डाला है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे। नमक हमें थोड़ा सा कम ही डालना है, क्योंकि भिंडी हमारी भी गल जाएगी तो नमक तेज हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा कम ही नमक डालेंगे और जब सब्जी हमारी बन जाएगी तो नमक बराबर आ जाएगा। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करने के बाद ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और धीमी आंच पर इसे 5 मिनट तक हम पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटाएंगे। मैंने धीमी आंच पर भिंडी को 5 मिनट के लिए पकने दिया था, अब इसे मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम नींबू का रस डाल देंगे और मैंने आधी नींबू का रस लिया था, इसके अंदर इसे डालेंगे। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। नींबू का रस डालने से सब्जी हमारी खिली खिली बनती है और इसमें चिपचिपाहट नहीं रहती है और इसकी खटास से सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, इसलिए मैंने आधा नींबू लिया और उसका रस इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे हम मिक्स करेंगे और इसके बाद फिर से ढक्कन लगाएंगे और जब तक ये अच्छी तरीके से पक नहीं जाता इसे हम मिलाते हुए और पका लेंगे। भिंडी को चेक करेंगे। मैंने इसे ढक ढक कर 10 मिनट के अंदर सब्जी हमारी बनाकर तैयार कर ली है। देखिए सब्जी अच्छी तरीके से बन चुकी है और कढ़ाई में चिपक भी नहीं रहा है, तेल बिल्कुल अलग होने लगा है। अब इसे इसी तरीके से खुली कढ़ाई में हम 1 मिनट तक भून लेंगे। मैंने 1 मिनट तक इसे खुली कढ़ाई में भून लिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को प्लेट में निकालेंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस और डाल देंगे और हमारी भिंडी की टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे रोटी, पराठे या फिर पूरी के साथ खाइए, ये सभी के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट हमें जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।